हेलो एवरीवन, रीडर्स ऑडियो लाइब्रेरी में आप सबका फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी अगले अध्याय की शुरुआत से पहले एक कोट पेश करना चाहूंगी। भय रहित जीना ही जीना है। अगर आपने कोई चोरी नहीं की है तो किसी से डरने की क्या जरूरत है। जिसका जीवन खुली किताब हो वही वास्तव में स्वतंत्र है। अपने बारे में की जाने वाली सबसे अच्छी प्रशंसात्मक टिप्पणी है कि मैं एक खुली किताब हूँ। धन्यवाद। चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर कि जीवन हमारी मृत्यु को नहीं डालेगा, इसीलिए हम भी जीवन को न डालें। प्रबंधन का तनाव क्या है? ये है कि किसी काम को टालते रहना, यानी कि कोई काम जिस समय पर किया जाना चाहिए था और जिस समय पर वो किया गया उसके बीच का समय अंतराल इस तनाव का कारण बन जाता है। टेक्नोलॉजी गैप क्या है? यह है काम को करने के लिए किसी बेहतर तरीके का उद्योग में आ तो जाना, लेकिन उसे अभी तक अपनाया न जाना। जो काम आखिरकार किया ही जाना है उसे आज ही क्यों न कर दिया जाए और तनाव से बचा जाए। यदि काम करने का कोई बेहतर तरीका है तो इससे पहले कि कोई और उसे अपना कर आगे बढ़ जाए और हमें फिसड्डी बना जाए, हम ही उस तरीके को क्यों न अपना ले। जब हम ये जानते हैं कि अमुक चीज़ बुरी है तो उसे अभी ही क्यों न छोड़ दिया जाए। नए वर्ष का इंतजार क्यों? कल का इंतजार क्यों? क्या आप विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाला काम करना चाहते हैं? तो हर उस चीज को, हर उस काम को रोक दे जो विश्व स्तरीय से कमतर हो। क्या आप किसी ऐसी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं जो आपसे हुई तो पहले कभी थी लेकिन उसका पता आपको अभी चला है? तो ये माफी तुरंत मांग ले, वरना आप अपराध बोध में उलझे रहेंगे और फंस जाएंगे। क्या आपको कोई बढ़िया और शानदार बात सूझी है तो उसे तुरंत कर डालें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को भी ये बात सूझ जाए और वो कर डाले, क्योंकि फिर तो आप उसकी नकल ही करते नजर आएंगे। मूर्ख और बुद्धिमान दोनों करते तो वही काम है, लेकिन बस अलग अलग समय पर। बुद्धिमान उसे तत्काल कर देता है लेकिन मूर्ख उसे अंतकाल में करता है। जीवन ऐसे जिए जैसे आने वाला कल आज ही आ गया है। हम स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का महत्व समझते तो है, लेकिन उसके लिए जरूरी कोशिशों को टालते रहते हैं। वित्तीय प्रबंध और निवेश के महत्व को समझते तो है, लेकिन उस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को टालते रहते हैं। हम बोर्ड की परीक्षा का महत्व अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन तैयारी तब तक नहीं करते जब तक कि परीक्षा सिर पर ना आ जाए। कागजों को पेंडिंग फोल्डर में डाल देना हमें सबसे सुविधाजनक लगता है। जीवन में आने वाले सारे दबाव व तनाव कुछ और नहीं, बस परत दर परत बढ़ता गया मनोवैज्ञानिक बोझ है, जो इस समय अंतराल के कारण होता है कि कोई काम कब किया जाना चाहिए था और आखिरकार वो कब किया गया। काम को कल पर टालते रहने की आदत जीवन रेखा को छोटी करने का सबसे अच्छा तरीका है। टालते रहना पिछड़ने वालों की पहचान है। इसीलिए कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। जीवन हमारी मृत्यु को नहीं टालेगा और इसीलिए हम भी जीवन को न टालें। किसी दिन जैसा कोई दिन नहीं होता, जो है वो आज ही है। यदि आने वाला कल आया तो मैं उसे बता दूंगा कि ये काम मैंने बीते कल में ही कर दिया है। शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय। हमारी जिम्मेदारी जहाँ खत्म होती है, परमात्मा की जिम्मेदारी वहाँ से शुरू होती है। इंतजार करने और अधीर हो उठने में बहुत बारीक अंतर है, और इसी में शांतिपूर्ण प्रगति और तनावपूर्ण सफलता का अंतर समाया हुआ है। किसान ध्यान से सुने, हल चला दिया है और बीज भी बो दिया है, उसे अब इंतजार करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी वहाँ खत्म होती है और परमात्मा की जिम्मेदारी वहाँ से शुरू होती है। तो यदि उस किसान को इंतजार करने की कला आती है तो वह शांतिपूर्वक ढंग से इंतजार करेगा। उसके बजाय यदि अंकुर फूटने के लिए वो अधीर हो उठेगा तो हर बीतता पल उसे बेचैन और तनावग्रस्त करता जाएगा। उसका मन भुनभुनाता रहेगा कि ये हो क्यों नहीं रहा है, अभी तक हुआ क्यों नहीं है। बाद में अपने समय अनुसार अंकुर निकलने के बावजूद वांछित फल पाने की लालसा में वह अपनी शांति गंवा चुका होता है, यानी नुकसान तो वह पहले ही उठा चुका होता है। क्या आपने लिफ्ट के लिए बटन दबा दिया है? तो अब थोड़ा इंतजार करें,
अपने अनुसार उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। लिफ्ट के आने के लिए अधीर होने से आप फर्श पर पैर पटकते हैं, अपनी पुतलियों को ऊपर नीचे घुमाते हैं, जिससे आपके ऐसा करने से लिफ्ट की गति बढ़ जाएगी और वह आपके तल पर दौड़ी चली आएगी। क्या आपने वेटर को अपना ऑर्डर दे दिया है? तो आप थोड़ा इंतजार करें। अधीर हो उठने से इंतजार घुटन और चिढ़ भरा हो जाता है। आपको जो निर्णय लेने थे कि आपने ले लिए हैं, कि आपने उनके लिए जो कुछ भी करना था आपने कर लिया है। यदि हाँ तो अब इंतजार करें, बस इंतजार। इस चीज उस चीज या किसी भी चीज के लिए आकुल व्याकुल न हो उठे, बल्कि इंतजार करें। इस इंतजार में आपको शांतिपूर्ण सफलता की कुंजी हाथ लगेगी। अधीर हो उठना भी कभी कभी सफल बना देता है, लेकिन वो सफलता बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होती है। जब यही सफलता शांतिपूर्ण रास्ते पर चलकर मिलती है तो फिर तनाव का रास्ता क्यों चुने? आध्यात्मिक उत्थान के लिए जरूरी गुणों में से एक है अपने हिस्से का काम पूरा करना और फिर बस इंतजार करना। कई लोग जो आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए उसकी नीरव शांति का महसूस करने को बड़े व्याकुल हो उठते हैं, वे दरअसल इस प्रवृत्ति संबंधी रोग से ग्रस्त रहते हैं, जिसे अधीर होना कहते हैं। अधीर हो उठने पर मिलने वाला अनुभव में अब वांछित अनुभव के साक्षी होने के बजाय अपने अहम को साक्षी बनकर रहते हैं। वो तो केवल इंतजार में डूबा साक्षी होना ही है, जिसमें आध्यात्मिक अनुभव स्वयं को प्रकट करता है। आप अधीर हो उठना छोड़ दे तो तनाव भरी सफलता में भी आपसे छूट जाएगी। अपने हिस्से का काम करना और फिर इंतजार करना सीख ले। शांतिपूर्ण प्रगति का यही रास्ता है और ये लंबे समय तक चलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। अनुभव के रूप में जीवन ने हमें एक शिक्षक दिया है। हमारी परिपक्वता यानी कि हमारी मैच्योरिटी जीवन में आने वाले हर अनुभव से एक पायदान नीचे ही रहती है। जीवन के अनुभव का एकमात्र आयोजन है कि हमें वो मैच्योरिटी प्रदान करें, लेकिन हर अनुभव के साथ सिर्फ हमारी मैच्योरिटी का स्तर ही नहीं बढ़ता, लेकिन चुनौतियों का सामना करने का स्तर भी बढ़ जाता है। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता जाता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि हम कितना जानते हैं या हमारे जीवन के अनुभव कितने समृद्ध हैं, या जो काम हम करते हैं उसमें हम सर्वोत्कृष्ट हैं, या जीवन के बारे में हम एक विश्वकोश ही बन गए हैं, क्योंकि इसके बाद भी किसी मोड़ पर गिरने, ठोकर खा जाने और फिसल जाने की संभावना बनी रहती है। जीवन हमेशा प्रवाह बाधित करने व लय तोड़ने के लिए बीच में आ ही जाता है। लेकिन याद रखें कि विकास के पैमाने पर 10वें स्तर पर असफल रह जाने वाला भी 8वें स्तर पर सफल होने वाले से तो ऊंचा ही रहता है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने से थोड़ा चूक जाने वाला फिर भी किसी स्थानीय पहाड़ी के शिखर पर पहुँचने वाले से तो काफ़ी ऊँचा ही रहता है। परिपक्वता जितनी ज़्यादा होंगी यानी कि मैच्योरिटी जितनी ज़्यादा होंगी, चुनौती भी उतनी ही बड़ी होंगी। जीवन में हमें कुछ इसी तरह आकार देता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर चौथी कक्षा हमने उत्तीर्ण कर ली है तो हमें चौथी कक्षा फिर बहुत आसान लगेगी। हम पाँचवीं कक्षा में हैं तो हमें तीसरी कक्षा बिल्कुल आसान लगेगी। लेकिन जो इंसान हमारे आगे कक्षा में है, यानी कि अगर हम पाँचवीं में हैं और वो आठवीं कक्षा में है, तो हमें वो ज़्यादा मुश्किल लगेगा। सिंपल थिंग यहीं पे भी अप्लाई होती है कि जिस चुनौतियों का सामना आप कर चुके हैं वो आपको आसान लगेगी, और जो चुनौती आनी बाकी है वो आपको मुश्किल लगेगी। इसी तरह से मैच्योरिटी का मापदंड किया जाता है। जीवन कोई ऐसी यात्रा नहीं है जिसमें दो कदम आगे बढ़कर एक कदम पीछे चला जाए। ऐसा तो तभी होता है जब व्यक्ति सचेत रहे बिना जाता है, अपने अनुभवों से बिना कुछ सीखे जीता रहता है। जिस व्यक्ति की चेतना उसे हर अनुभव को सीखना सिखा देती है, वो तो ऐसे जीता है जैसे कि किसी ट्रैम्पोलिन पर खड़ा हो, जहां वह ऊपर उठने के लिए नीचे की ओर जाता है और फिर नीचे की ओर से जाने के लिए वो ऊपर उठता है। लेकिन हर बार नीचे की ओर जाने के बाद वो मिलने वाली ऊंचाई पिछली बार से ज़्यादा होती है। उसकी परिपक्वता और चुनौती दोनों ही स्तर अगले उच्च स्तर पायदान तक उठते हैं। उसकी सफलता का कारण क्या होता है? सही निर्णय। आपको सही निर्णय लेने में सक्षम कौन बनाता है? जीवन के अनुभव। और जीवन के अनुभव आप प्राप्त कैसे करते हैं? गलत निर्णय से।
यानी कि सही और गलत ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों ही निर्णय आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाते हैं। जीवन के अनुभवों के ट्रैम्पोलिन पर मैं एक के बाद एक अनुभव से आगे बढ़ता जाता हूँ। हर अनुभव मुझे या तो वो दे देता है जो मैं चाहता हूँ, या फिर मुझे वो बता देता है कि वो मैं क्यों नहीं पा सका जिसे मैं पाना चाहता था। अगली बार कोई नुकसान या यदि भीतर एक झकझोर दे कि बस इतना याद रखें कि जीवन ने आपके लिए एक शिक्षा भेजा है अनुभव के रूप में। आपकी परिपक्वता, आपकी मैच्योरिटी का स्तर उठाने में आपकी सहायता करने के लिए उसे अनुभव के रूप में एक शिक्षक भेज दिया है। अपनी सचिनता को उस अनुभव से न केवल परिपक्व होने दें बल्कि खुद को भी स्थिर व शांत होने दें। एक ज़्यादा बड़ी चुनौती के लिए तैयार रहें। हम मनुष्यों को उठने के लिए नीचे जाना ही पड़ता है। सौभाग्य की बात यह है कि पहले की अपेक्षा हम हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर उठते हैं।